हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम बताएंगे आपको आलू की कतली बनाने का तरीका। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। हम आसान रेसिपी लेके आते हैं, सिंपल तरीके से बताते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 चम्मच तेल डालेंगे। मैं सरसों का तेल यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड या घी भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें जीरा डालेंगे। अगर आप सरसों का तेल यूज करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्वाद आता है इसका। 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई। प्याज को हमें अच्छे से फ्राई करना है। जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो तब तक हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं है तो आप 2-4 आलू लेके, 2-4 सूखी मिर्च, 1 टमाटर, 1 प्याज और 1 चम्मच जीरा, इससे आप इसे तैयार कर सकते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट होती है। इसमें सूखी मिर्च डालेंगे। ये 5-6 सूखी मिर्च ली है मैंने स्वाद अनुसार। नमक मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार रखें। इसमें हरी मिर्च या पिसी हुई मिर्चों का यूज नहीं होगा। ये कतली जो है सूखी मिर्च में बनती है, जो इसका बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है इसे बनाने का। ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो रही है हल्के हल्के। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, इसमें हम 1 टमाटर डालेंगे। ये 1 टमाटर मीडियम साइज का है, बारीक कटा हुआ है। इसे अच्छे से मिलाएंगे। टमाटर को अच्छे से गलाना है हमें। इसे चलाते चलाएंगे अच्छे से। नमक डालेंगे इसमें 1 चम्मच। इसको चलाएंगे अच्छे से। टमाटर को हमें अच्छे से गलाना है। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा चलाएंगे इसको, और इसको हम ढक के 1 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे हमारे टमाटर गल जाए अच्छे से। ये मैंने ढक के सिर्फ 1 मिनट पकाया है इसको। पानी जरा सा इसलिए डाला है जिससे कि मसाले हमारे जले ना। इसको चलाएंगे। मसाला हमारा बन चुका है। इसमें आलू की हम कतली डालेंगे, जो चंदे होते हैं या स्लाइस। इसको हल्के हाथों से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाएंगे इसको। हमने इसे अच्छे से मिला लिया। इसमें 1/2 गिलास पानी डालेंगे। मैं हल्की तरी रखना चाह रहा हूँ। रोटी या सब्जी या फिर आप चावल के साथ अगर इसे लेना चाहते हैं तो अपने हिसाब से पानी रखें। सूखी चाहे तो सूखी ही बना सकते हैं आप, इसमें पानी ना डालें। इसे अच्छे से मिला लिया। अब हम ढक के इसको लगभग 5 मिनट पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। ये आलू की कतली हमारी तैयार हो चुकी है। मैं दिखाता हूँ आपको आलू कितना गला है। ये देखिए आप, ये देखिए आलू हमारा अच्छे से गल भी गया है। और आलू की कतली हमारी एकदम तैयार हो चुकी है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। 3-4-5 चीज़ों से बन जाती है सब्जी। घर में कोई सब्जी नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होती है सब्जी। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है इसे बनाने का। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल भी दबाइए, इससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मैं ऐसे सिंपल रेसिपी आसान तरीके से हम लोग बताते हैं, सिंपल तरीका दिखाते हैं आपको बनाने का, जिससे आप आसानी से बना सके। कोई भी रेसिपी अगर हम लाते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं इसको। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।